नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, इस वक्त मेरे पीछे एक वीडियो चल रहा है। ये वीडियो है खतौली विधानसभा के मुनव्वरपुर गांव का, और यहां पर खदेड़ा हो रहा है। खदेड़ा किसका हो रहा है? खदेड़ा हो रहा है विक्रम सैनी का, जो कि बीजेपी के विधायक हैं खतौली से, और गांव वाले इस कदर उनसे नाराज हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। विक्रम सैनी वो शख्स हैं दोस्तों, वो विक्रम सैनी जो मुजफ्फरनगर दंगों में एक नाम थे, और बाद में जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद को क्लीन चिट दे दी, केशव प्रसाद मौर्य को क्लीन चिट मिल गई, सुरेश राणा को भी क्लीन चिट मिल गई, संगीत सोम को भी क्लीन चिट मिल गई। तो विक्रम सैनी शायद उसी फहरिस्त के क्लीन चिट वाले हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं उनके अपने गांव वाले उनकी अपनी विधानसभा में उन्हें यहां से खदेड़ा कर रहे हैं। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज़ क्लिक पर मेरे साथ। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इसका मतलब यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि खतौली जैसे कि आप जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खदेड़ा हो रहा है? मैं आप चाहूंगा कि आप इस वीडियो के दो और अंश देखें। इस अंश में देखिए, वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद गांव वाले उन्हें किस तरह से ताना देते हैं। बाद में थक हार कर उन्हें हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाना होता है। देखिए वीडियो। ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। विक्रम सैनी वो शख्स जो एक तरह से कहा जा सकता है 2013 में जो दंगे हुए उनमें उनका एक किरदार था, आरोपी थे, जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। इत्तेफाकन वो जांच जो थी वो योगी आदित्यनाथ सरकार की जांच थी, इसलिए उस पर सवाल उठना लाजमी है। मगर क्या इसका अर्थ ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनके लिए मुश्किल हो गई है? उसे समझने के लिए आपको कई फैक्टर्स पर गौर करना पड़ेगा। एक एक करके तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, टिकैत बंधु यानी कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, दोनों भारतीय किसान यूनियन से। अब इन चेहरों के जरिए आपको समझना पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दोनों के बीच कुछ सीटों को लेकर विवाद भी चल रहा है, मगर दोनों ही पार्टियों का मानना है कि भाई जब सीटों का वितरण होता है तो अमूमन इस तरह के विवाद पैदा होते हैं और इसका समाधान जल्द हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल वो है जिसका चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह का इतिहास रहा है। यह गठबंधन जब हुआ, इसके पहले की पृष्ठभूमि किसान आंदोलन थी, इसके पहले की पृष्ठभूमि थी एक बार फिर फिजाओं में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगाए जाने लगे। यानी कि 2013 के दंगों में जाटों और मुसलमानों के बीच जो खटास पैदा हुई थी, यह माना जा रहा था कि वो कड़वाहट अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, और अगर वो कड़वाहट खत्म हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा एक और फैक्टर, ये इलाका जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो बीएसपी का गढ़ माना जाता था, बहुजन समाज पार्टी का। मगर जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, मायावती बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, रहस्यात्मक तरीके से वो चुनावी मैदान से गायब है। सामने आती हैं, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और फिर चली जाती हैं। यहां तक कि चुनावी रैलीज में भी वो बहुत बढ़ चढ़कर सामने नहीं आ रही। हालांकि अभी 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों और रोड शोज पर रोक लगा हुआ है, मगर मायावती एक तरह से कहा जाए बहुत एक्टिव नहीं है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कायदे से इस वक्त दो खिलाड़ी मैदान में हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन। राजनीति अगर आपको समझनी है तो यह सूरत हाल है। मैंने दो और चेहरों का जिक्र किया दोस्तों, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। देखिए, कहने को
ये लोग भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का मुझे अलग अलग तरीके से जिक्र नहीं करना चाहिए, मगर भाई होते हुए, भारतीय किसान यूनियन से नाता रखते हुए, दोनों के तेवरों में बीजेपी को लेकर एक हल्का सा फर्क दिखाई देता है। राकेश टिकैत ने हाल ही में एक टेलीविजन शो में कुछ बातें कही थी, मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। राकेश टिकैत कहते हैं कि हमारा झगड़ा बीजेपी से नहीं, हमारा झगड़ा सरकार से है, हम सरकार से सवाल करते रहेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर नरेश टिकैत, उनके भाई नरेश टिकैत एक दिन बयान देते हैं कि हम रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का साथ देते हैं, और अगले ही दिन वो इससे पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कुछ बातें फालतू में कह दी। फिर ये तस्वीर सामने उभर कर आती है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में वो मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान के साथ बैठे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, वो असमंजस पैदा कर रही है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पिछले करीब 13 महीने में जब किसानों का आंदोलन चला तो करीब 700 किसानों ने जान दी। ये ना भूलें, जब राकेश टिकैत उस रात, उस शाम को जब रोए थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो लगातार उन्हें टारगेट कर रहे थे। आपको याद है बीजेपी ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया था कि तुम लखनऊ तो पहुंचो, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, योगी आदित्यनाथ तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो उग्र तरीके से राकेश टिकैत को टारगेट कर रहे थे। अब राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से है, पार्टी से नहीं है। मगर राकेश टिकैत साहब को समझाना पड़ेगा कि पिछले 13 महीनों में जो 700 किसान मरे हैं और वो एक सरकार और एक पॉलिटिकल पार्टी के गैर जिम्मेदाराना तरीके से मरे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री की दो बातें सामने उभर कर आई हैं। पहली बात, आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 700 किसानों की मौत पर एक शब्द नहीं बोला। उल्टा इस शख्स सत्यपाल मलिक के बयान के मुताबिक जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे तो प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया था कि वो 500 किसान जो मरे हैं वो मेरे लिए मरे हैं क्या? क्या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इन बातों को भूल गए? और जब वो ये बात कहते हैं कि भाई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, तो क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन और बीजेपी को एक ही मुकाम पर रख रहे हैं? क्या इसका कोई तर्क राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के पास है? दरअसल ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के रवैये में इस तरह का हल्का सा परिवर्तन हम क्यों देख रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में बीकेओ की 3 दिन की बैठक है, भारतीय किसान यूनियन की 3 दिन की बैठक है, और यह उम्मीद की जा सकती है कि उस बैठक के बाद यह स्पष्ट होगा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देंगे। मगर पार्टी के अन्य नेता कुछ बयान दे रहे हैं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। मसलन भानु प्रताप सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भाई केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और यह किसानों के लिए बहुत अच्छा है, किसानों के मुद्दों का समाधान होगा। मगर यह तो अरसे से चला आ रहा था, यह तो पिछले 13 महीनों से भी था। पिछले 13 महीनों से भी तो केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, मगर उस वक्त आपके तेवर बहुत उग्र थे बीजेपी को लेकर। अब ऐसा क्या हुआ कि उसमें नरमी आ गई? यही नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनावों में राकेश टिकैत हर जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे थे, ममता बैनर्जी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। मैं ये समझना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के चुनाव और अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों के बीच ऐसा क्या हो गया कि अब आप ये बोलने लगे कि हमारे लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में कोई फर्क नहीं है। आप ऐसा क्यों कहने लगे कि हमारी लड़ाई तो सरकार से है, बीजेपी से नहीं है? फिर पश्चिम बंगाल में आपने बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील क्यों की? ऐसा क्या बदल रहा है? मैं जो आपके सामने रख रहा हूं सिर्फ तथ्य रख रहा हूं, मगर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी खींच रहा हूं
कि टिकैत बंधुओं के इस रवैये के चलते किसानों में असमंजस पैदा होगा, असमंजस पैदा होगा, और जैसे ही असमंजस पैदा होगा इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, आप इस बात पर गौर करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तौर पर माहौल को उग्र करने का प्रयास कर रही है। दो तीन मिसालें मैं आपको देता हूं। 6 दिसंबर से पहले मथुरा के अंदर क्या हुआ था, मथुरा के अंदर कृष्ण मंदिर के नाम पर शाही ईदगाह में मूर्तियां जो है वो लगाने की धमकी दी गई। नतीजा ये हुआ कि 6 दिसंबर को मथुरा में धारा 144 के अंतर्गत शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, ड्रोन उड़ने लगे। इस सब का असर क्या हुआ, इस सब का असर ये हुआ कि धर्मनगरी के अंदर तनाव पैदा हो गया, उस धर्मनगरी मथुरा के अंदर तनाव पैदा हो गया जहां एक अरसे से कुछ नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहारनपुर के शाकुंभरी विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर जाते हैं और दोनों जगह पर उनके तेवर जनता को याद दिलाना मुजफ्फरनगर दंगों की, यानी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है कहने को, सिर्फ दंगों की याद दिलाना है। और उस मंच पर उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स आपके साथ हैं दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। एक तरफ टिकैत बंधुओं का रवैया जिसमें जबरदस्त असमंजस बना हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में वो स्पष्ट करेंगे, वो बतलाएंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी कर राकेश टिकैत जी को गाली दी, उनकी चमड़ी उधेड़ने की बात की, उनको लेकर उनके रवैये में नरमी क्यों दिख रही है। इसके अलावा जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा, उनको लेकर क्या उनके रवैये में परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 500 किसान मेरे लिए थोड़ा मरे हैं, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से नाता रखते हैं, उनके बारे में ऐसी बात क्यों की जा रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती दिख रही है। ये तमाम फैक्टर्स हैं दोस्तों जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट वाले दिन एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। और पहले चरण में जिस तरह की वोटिंग होगी वही जमीन तैयार करेगा बाकी के 6 चरणों में। जैसे कि आप जानते हैं 7 चरणों में इस बार उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें, इसमें यह बतलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर 7 एजेंसीज ने सर्वे किए और उन 7 में से 6 में ये बताया जा रहा है कि भाजपा जो है बहुत आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह प्रचार भी जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्री पोल सर्वेस पहले भी गलत होते रहे हैं मगर अब इनका एक तरह से मकसद हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जमीन तैयार की जाए। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान होना है तो इन प्री पोल सर्वेस का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इसलिए दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में होगा वही आने वाले तमाम चरणों के लिए जो है तेवर तय करेगी। क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के चुनावों में भी पहले चरण के मतदान में भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली थी। और यही नहीं, मतदान के एक दिन पहले रहस्यमय तरीके से एक खेत में कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं, उन लोगों को किसने मारा आज तक पता नहीं हुआ है मगर उस घटना ने सांप्रदायिक रूप अख्तियार कर लिया था और उसका असर बताया जाता है वोटिंग पर भी पड़ा था। इसलिए मैं चाहूंगा कि बतौर दर्शक बतौर वोटर आपकी निगाह इन तमाम फैक्टर्स पे होनी चाहिए, तभी आप उत्तर प्रदेश के चुनावों की बारीकियों को समझ पाएंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।